नमस्कार जी, मेरा नाम है अनुज और फिर से मैं लेके आया हूँ सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक बहुत ही बड़े टर्न टू इसको। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि फिलहाल सौभिक चक्रवर्ती जो है वो फाइनली अरेस्ट हो चुका है, और अब आप लोग ये भी जानते हैं कि कुछ ही क्षणों के बाद, जैसा कि आज सीबीआई और एनसीबी की टीम ने रिया चक्रवर्ती को 10:30 में डीआरडीओ गेस्ट हाउस पे बुलाया है। तो जैसे ही सौभिक चक्रवर्ती अरेस्ट होते हैं, उनके पापा की पिलपिली निकल जाती है कि अब तो हमारी रिया बेटी भी नहीं बचने वाली है। तो वो अपने सोशल नेटवर्क हैंडल पे कुछ एक बहुत ही भावुक पोस्ट डालते हैं। सौभिक के अरेस्ट हो जाने के बाद कुछ इस तरह से पोस्ट को लिखते हैं कि मुझे इंडिया के कानून व्यवस्था पे भरोसा नहीं रहा, यहाँ की पुलिस प्रशासन जो है वो जनता के कहने पे काम करती है, उन्हें जनता जैसा कहता है वैसा करती है, वो लीगल तरीके से काम नहीं करती, कानून को जिस हिसाब से काम करना चाहिए, जो एक्चुअल फैक्ट को लेके काम करना चाहिए वो काम नहीं करती है, ऐसे एलिगेंस लगाए हैं मिस्टर इंद्रजीत चक्रवर्ती जी जो है। क्योंकि उनको भी पता है कि अब जो है मेरा बेटा तो गया, अब रिया चक्रवर्ती भी जो है आज किसी भी हाल में वो चली जाएगी। और जी मैं आपको बता दूं कि इंद्रजीत चक्रवर्ती जी वो ऐसे भावुक पोस्ट डाल रहे हैं ये जानते हुए भी कि जब उनके बेटे की इंट्रोगेशन हुई, जब पूछताछ किया गया है सीबीआई से और एनसीबी की टीम से, तो सीधा सीधा निकला है कि एक बहुत ही बड़ा एक्यूज है सौभिक चक्रवर्ती, वो ड्रग्स स्मगलिंग करता है और बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टारों तक ड्रग पहुंचाता है सौभिक चक्रवर्ती। ऐसे चेहरे हैं बॉलीवुड के जिनके नाम सुन के आप दंग रह जाओगे। जी हाँ, तो ऐसे भी कुछ चेहरे हैं बॉलीवुड के जो सौभिक चक्रवर्ती से ड्रग्स लिया करता था और सौभिक चक्रवर्ती उन्हें सप्लाई किया करता था, उनके हर छोटे मोटे पार्टियों में जो है सौभिक चक्रवर्ती उन्हें ड्रग्स सप्लाई किया करता था। सौभिक चक्रवर्ती के साथ जितने ड्रग्स डीलर हैं वो सारे अरेस्ट हुए हैं, ऑलमोस्ट अरेस्ट हो चुके हैं, और कहा जाता है कि आउट ऑफ इंडिया में भी वो सेल करते थे ड्रग्स, और उसमें रिया चक्रवर्ती जो है वो मेन ताई रही है। इन सारी चीज़ों को हैंडल करना वो रिया चक्रवर्ती करती थी। तो फाइनली आज जो है वो रिया चक्रवर्ती भी अरेस्ट होगी। हम आपको देते रहेंगे पल पल की खबरें, बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।